ओके, बॉडीज ऑफ द यूएन, यूनाइटेड नेशन की बॉडीज पढ़ी थी हमने। कौन कौन से सिक्स ऑर्गेन से उसके मेन, है ना, मतलब मेन डिवीजन से उसके। फर्स्ट हमने पढ़ा था कल जनरल असेंबली, ठीक है। सेकंड आधा ही हो गया था, सिक्योरिटी काउंसिल। इसको फिर से पढ़ लेते हैं। सेकंड बॉडी है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल मेंटेन्स ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो क्या मेंटेन करती है? ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में पीस होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, और कोई भी वॉर नहीं होने चाहिए, और टोटल सिक्योरिटी, ठीक है। इट हैज 15 मेंबर्स। इसमें 15 मेंबर्स है। मेंबर्स मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, कंट्रीज, ठीक है। इसमें 15 कंट्रीज होती है, 15 कंट्रीज के हेड, जिसमें परमानेंट कौन कौन से हैं? यूके, चाइना, फ्रांस, रशिया और यूएसए, ठीक है। ये सारे परमानेंट मेंबर्स, मतलब ये चेंज नहीं होती है, ये कंट्रीज चेंज नहीं होती। और जो बची हुई 10 कंट्रीज है एंड इट्स परमानेंट मेंबर्स आर इट्स परमानेंट मेंबर्स एंड द रिमेनिंग आर नॉन परमानेंट मेंबर्स, वो आर चूजन फॉर अ टर्म ऑफ 2 इयर्स। वो आर चूजन फॉर अ टर्म ऑफ 2 इयर्स। जो कितने इयर्स के लिए, जो बाकी नॉन परमानेंट मेंबर्स है वो कितने इयर्स के लिए चूज किए जाते हैं? 2 इयर्स के, ठीक है। ये 5 तो मेन कंट्रीज हो गई है, परमानेंट कंट्रीज हो गई है, और बाकी जो 10 है वो हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है। 2 2 इयर्स में चेंज होती रहती है। इफ देयर आर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कंफ्लिक्ट्स, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स और एनी अदर प्रॉब्लम्स अमोंग द मेंबर कंट्रीज, द सिक्योरिटी काउंसिल सजेस्ट पीसफुल वेज टू रिजॉल्व देम, ठीक है। अब कोई दो कंट्रीज के बीच में या फिर कुछ कंट्रीज के बीच में क्या हो सकती है? मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ठीक है। मतलब कोई भी एक प्रॉब्लम हो रही है किसी दूसरी कंट्री से, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया को प्रॉब्लम है चाइना से, ठीक है। इंडिया को प्रॉब्लम है चाइना से, कुछ ऐसे कंफ्लिक्ट्स हो रहे हैं दोनों के बीच में, है ना, दोनों वॉर करने का सोच रहे हैं, तो सिक्योरिटी काउंसिल क्या करती है? उनको सजेस्ट करती है कि आप बिना वॉर के भी ये रिजॉल्व कर सकते हो, इस चीज को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। The decisions made by the Security Council have to be followed by all the countries. अब जो भी Security Council decisions लेती है उसको सारी कंट्रीज को मानना पड़ता है, ओके। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, दो पढ़ लिए हमने, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। नाउ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये क्या चीज है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल लुक्स आफ्टर द इकोनॉमिक, ह्यूमैनिटेरियन, सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज दैट द यूनाइटेड नेशन अंडरटेक्स, ठीक है। एक और बॉडी है जो किस चीज को देखती है? इकोनॉमी को, ठीक है। कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, उसकी सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज कैसी है, वो सब किस कौन देखता है? इकोनॉमिक और सोशल कौन से, ओके। इट हैज 54 मेंबर कंट्रीज, ठीक है। इसमें कितने मेंबर्स है, कितनी कंट्रीज है इसमें? 54 कंट्रीज, ओके। नेक्स्ट पेज, विच आर इलेक्टेड टू सर्व ए टर्म ऑफ 3 इयर्स, ठीक है। 54 कंट्रीज है जो 3 इयर्स के लिए सिलेक्ट की जाती है, ठीक है। इनको 3 इयर्स वर्क करने के लिए सिलेक्ट किया जाता है। इट हैज अ चेन ऑफ एजेंसीज स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड विच वर्क ऑन डिफरेंट सोशल क्राइसिस, ह्यूमन राइट इश्यूज एंड मेनी मोर, ठीक है। अब कंट्रीज के अंदर बहुत सारी चीजें होती है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, जैसे सोशल क्राइसिस, है ना। फॉर एग्जाम्पल कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज्यादा कम हो गई है ना,
वहां पर क्या कहते हैं, पुअर्टी ज्यादा बढ़ गई है, पुअर्टी मतलब गरीबी ज्यादा बढ़ गई है, तो उसको कौन लुक आफ्टर करेगा? इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सेप्ट, ठीक है? ये एक पूरी एक चेन रहती है ना, जो पूरी वर्ल्ड में फैली हुई है ना, पूरी वर्ल्ड में स्प्रेड है। नेक्स्ट है ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट इज ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट। When the United Nation was created, there were 11 nations that required supervision. अब कुछ ऐसी कंट्रीज थी है ना, जैसे यूनाइटेड नेशन बनी थी तब कुछ ऐसी कंट्रीज थी जिसको देखना जरूरी था, सुपरवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है? तो क्या बना था? ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट। क्या देखती है वो? द ट्रस्टीशिप काउंसिल वॉज क्रिएटेड टू लुक आफ्टर दिस नेशन, ठीक है? ये जो 11 कंट्रीज है, 11 नेशन है ना, उनको देखने के लिए क्या बनाई थी? ट्रस्टीशिप काउंसिल, ओके? टुडे दिस काउंसिल इज नॉट फंक्शनल एनीमोर। ये स्टार्टिंग में बनी थी बट अब इसका कोई वर्क नहीं है, ओके? मतलब ये ज्यादा वर्क नहीं करते। नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द लीगल कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो क्या है? लीगल कोर्ट है ना, यूनाइटेड नेशन की एक खुद की कोर्ट है ना, जिसको क्या बोला है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इट इज लोकेटेड एट द हेग इन नेदरलैंड। ये कहां पर है? नेदरलैंड में, जो एक कंट्री है, ठीक है? द हेग, वहां पर एक प्लेस है द हेग, ठीक है? वहां पर ये कोर्ट लोकेटेड है। इट डील्स विद इंटरनेशनल लीगल इश्यूज एंड एडवाइसेस कंट्री ऑन इंटरनेशनल लीगल मैटर्स, ठीक है? जितने भी लीगल इश्यूज होते हैं है ना कंट्रीज के बीच में, वो कौन डील करता है? ये कोर्ट, ठीक है? और कंट्रीज को ये एडवाइस भी देती है, कोई भी अगर लीगल मैटर्स होते हैं तो उस पे वो एडवाइस भी देती है। दिस कोर्ट कंप्राइजेस 15 जजेस। इस कोर्ट में टोटल कितने जज है? 15 जज। दीज जजेस आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है? जो स्टार्टिंग में हमने दो पढ़ी थी ना, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, ये दोनों क्या करती है? इन जजेस को सिलेक्ट करती है, इलेक्ट करती है, ठीक है? कौन, किसके थ्रू चुना जाता है इन जजेस को? जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, ओके? नेक्स्ट, लास्ट इज द सेक्रेटरिएट, ठीक है? सेक्रेटरिएट क्या है? द सेक्रेटरिएट डील्स विद द डेली एक्टिविटीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। जो सेक्रेटरिएट क्या है, ये भी एक ब्रांच है, वो क्या देखती है? डेली एक्टिविटीज, यूनाइटेड नेशन की डेली एक्टिविटीज को हैंडल करते हैं। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन हेड्स द सेक्रेटरिएट, ठीक है? जो सेक्रेटरी जनरल है वो पूरे सेक्रेटरिएट को क्या करता है? हेड करता है, मतलब वो हेड होता है। इट इज द मोस्ट पावरफुल ऑफिशियल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। वो क्या है? सबसे ज्यादा पावरफुल भी है यूनाइटेड नेशन में, ओके? तो ये हमने 6 पढ़ लिए, फिर से देख लेते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल, और सॉरी, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड लास्ट इज सेक्रेटरी, ओके? स्पेशल एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। स्पेशल एजेंसीज कौन सी है यूनाइटेड नेशन की? पढ़ते अपन। द यूनाइटेड नेशन ऑल्सो हैज सम स्पेशल एजेंसीज वेयर इट एम्प्लॉयज एक्सपर्ट फ्रॉम द वेरियस फील्ड ऑफ लाइफ इन ऑर्डर टू हेल्प इट्स मेंबर नेशन, ठीक है? यूनाइटेड नेशन में कुछ ऐसी स्पेशल एजेंसीज भी है, ठीक है?
जहां पर वो क्या करते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स को एम्प्लॉय करते हैं, मतलब एक्सपर्ट्स को रखते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं जितनी भी कंट्रीज है यूनाइटेड नेशन की, है ना, उनको हेल्प करते हैं। कौन कौन सी, सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो, कौन कौन सी है पढ़ते हैं। फर्स्ट, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आपको पूरा याद नहीं होगा तो आप तो सिर्फ इतना याद कर लेना, यूनेस्को, यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को। यूनेस्को क्या चीज है, यूनेस्को एनकरेजेस कॉपरेशन अमोंग कंट्री, ठीक है, ये क्या करती है, एनकरेज करती है कंट्रीज को कि वो कॉपरेटिव वर्क करें, ठीक है, मतलब सब मिलकर एक साथ वर्क करें, है ना, एंड इनेबल्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन साइंस कल्चरल कल्चर एंड कम्युनिकेशन, है ना, जितनी भी कंट्रीज है उनके बीच में किन किन चीजों की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, एजुकेशन, ठीक है, कुछ ऐसी एजुकेशन की नई इंफॉर्मेशन है तो उसको एक्सचेंज करना, साइंस में कुछ नया आया है ठीक है तो उसको एक्सचेंज करना उसकी इंफॉर्मेशन को, ठीक है, कम्युनिकेशन कल्चर इन सबको एक्सचेंज करने का भी वर्क किसका रहता है, यूनेस्को। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ठीक है, एक और नई चीज है यूनिसेफ, इसको अपन शॉर्ट में पढ़ेंगे यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ क्या करता है, यूनिसेफ डिफेंड्स प्रोमोट्स एंड प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन राइट, ठीक है, जो चिल्ड्रन की जो राइट को डिफेंड करता है कौन करता है, यूनिसेफ। ठीक है, जो चिल्ड्रन के जो राइट है, मतलब चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, है ना, ये सब राइट्स कौन डिफेंड करता है, कौन प्रमोट करता है, यूनिसेफ, ओके। थर्ड, इनको अंडरलाइन करते जाओ आप, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आपने सुना ही होगा, WHO, है ना, WHO तो आपने सुना ही होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजेस इंटरनेशनल हेल्थ वर्क एंड कंडक्ट रिसर्च ऑन द क्योर प्रिवेंशन एंड एलिमिनेशन ऑफ डिजीजेस, ठीक है, WHO का वर्क क्या रहता है कि वो जितनी भी कंट्रीज है वहां पर कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है ना, पूरी कंट्री में जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको कैसे क्योर करे, उसको कैसे ठीक करे और उस डिजीज को कैसे हटाए, ठीक है, उस वो वर्क किसका रहता है, WHO का, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी अभी क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो वो एक पूरी ग्लोबल डिजीज है ना, पूरे वर्ल्ड में ये फैली हुई है, तो ये किसका वर्क रहेगा, WHO का, ताकि वो चेक कर सके, मतलब इस जो डिजीज है इसको कैसे चेक करना है, कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे रोक सकते हैं इसको, ओके। नेक्स्ट, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, FAO, FAO का क्या वर्क है, FAO वर्क्स टू एलिमिनेट हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन एंड टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, अब कुछ कंट्रीज ऐसी भी है जहां पर लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं है, है ना, कुछ कंट्रीज ऐसी होती है, बहुत सारी कंट्रीज जैसे अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज क्या है, मतलब इतनी गरीब है कि वहां पर कुछ खाने के लिए भी नहीं है, तो अब उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, उनकी मतलब उनको फूड प्रोवाइड करने के लिए किसका वर्क रहता है, ये कौन वर्क करता है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये उनको फूड प्रोवाइड करते हैं या फिर कैसे उनको, मतलब कैसे उनकी, मतलब वो जो भूख से मर रहे हैं तो उनको कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं फूड, ओके, ये सब वर्क रहता है FAO का, ये चारों अंडरलाइन कर लिए, चारों समझ में भी आ गए ना। नेक्स्ट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या वर्क है, ILO formulates policies, guidelines
दैट एंश्योर बेसिक ह्यूमन राइट्स फॉर वर्कर्स, है ना। ये जितने भी वर्कर्स जो वर्क करते हैं फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, ठीक है, उनके लिए क्या राइट्स होते हैं, उसको कौन इनेबल करता है, ILO, उसको कौन टेक, उसकी कौन टेक केयर करता है, ILO, इम्प्रूव देयर वर्किंग एज वेल एज लिविंग कंडीशन। अब वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उनके कौन कौन से राइट्स है, मतलब एक शिफ्ट रहती है 12 आवर्स की, तो उनको 12 आवर्स ही वर्क करना है, इसके अलावा उनको ज्यादा वर्क नहीं कर सकते वो, ठीक है, और अगर ज्यादा वर्क कर भी रहे तो उनको पे आउट करें, है ना। अगर कोई वर्कर ज्यादा वर्क कर रहा है तो उसको, मतलब अपने टाइम से ज्यादा वर्क कर रहा है तो उसको उस टाइम का अमाउंट भी मिलना चाहिए, है ना। एंड क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब कुछ पर्सन के पास ऐसी रहती है जो वर्क नहीं करते, है ना, मतलब वर्क वो ढूंढ तो रहे हैं बट उनको मिल नहीं रहा है, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। ओके, चलो लास्ट टॉपिक, इंडियाज रिलेशन विद द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के साथ इंडिया के कैसे रिलेशन है। इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑन 30 अक्टूबर 1945। ठीक है, इंडिया यूनाइटेड नेशन की मेंबर कब बनी, 30 अक्टूबर 1945। ठीक है, एज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स इंडिया स्ट्रॉन्गली सपोर्ट्स द पर्पसेस एंड प्रोग्राम्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब ये क्या है, इम्पोर्टेंट मेंबर है कंट्री की, यूनाइटेड नेशन की एक इम्पोर्टेंट मेंबर है इंडिया, ठीक है, तो इंडिया जितने भी प्रोग्राम्स रहते हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के जितने भी प्रोग्राम्स रहते हैं तो उनको स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करता है इंडिया, ठीक है, अपनी जो कंट्री है वो स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करती है जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं यूनाइटेड नेशन के। इट हैज मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन बाय सेंडिंग ट्रूप्स, रीइन्फोर्समेंट एंड कंडक्टिंग रिलीफ ऑपरेशन इन वॉर स्ट्रग एरियाज एंड एरियाज हिट बाय कैलेमिटीज। ठीक है, अब अपनी कंट्री में जितने भी ऐसे, मतलब ऐसी सिटीज है, ऐसे एरियाज है जहां पर वॉर हुए हैं, ठीक है, वहां पर लोगों को प्रॉपर रिलीफ प्रोवाइड करना, ठीक है, और कुछ ऐसे एरिया से जहां पर बाढ़ आई है या फिर कुछ भी ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स हुए हैं, ठीक है, तो वहां पर भी रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए इंडिया ने अच्छा काम किया है, अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, आप देखते ही होंगे, न्यूज में आप सुनते होंगे कि जहां पर भी बाढ़ आती है या फिर कुछ भी ऐसे नेचुरल डिजास्टर होते हैं, ठीक है, वहां पर कौन रिलीफ प्रोवाइड करता है, फोर्स, है ना, अपने जो जितने भी सोल्जर्स है वो प्रोवाइड करते हैं। इन एडिशन टू ऑल दिस, इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप कंट्रीब्यूशन टू द यूनाइटेड नेशन रेगुलर बजट। ठीक है, इंडिया एक कंट्रीब्यूटर भी है, ठीक है, इसमें भी पार्ट लेती है वो, किस चीज में, यूनाइटेड नेशन के रेगुलर बजट में। ओके, उनका जो रेगुलर बजट निकलता है उसमें भी इंडिया पार्ट लेती है, कंट्रीब्यूट करती है। इंडिया करेंटली सीकिंग परमानेंट मेंबरशिप हैज बीन इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ द यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 7 टर्म्स। अभी जो अपनी सिक्योरिटी काउंसिल है ना, जो अपन ने सेकेंड टॉपिक पढ़ा था, सेकेंड बॉडी है, उसकी एक मेंबर बन चुकी है, इंडिया बन चुका है, अपनी जो कंट्री है वो एक मेंबर बन चुकी है, ठीक है, और वो क्या चाह रही है कि परमानेंट मेंबर बन जाए। ओके, जो बाकी 5 कंट्रीज है ना उसके साथ साथ अपने इंडिया भी एक परमानेंट मेंबर बन जाए। ओके, ये रिमेंबर के पॉइंट से या आप पढ़ लेना, तो उससे पहले अपन वो एक्टिविटी कंप्लीट कर लें, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द डैश इज द लीगल कोड ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब इसमें से यूनाइटेड नेशन का कोड कौन सा है, लीगल कोड कौन सी है, आप
आपको भी दिख जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कंप्लीट बेटा, अगर वॉइस नहीं आ रही है तो देख तो सकते हो, अगर वॉइस नहीं भी आ रही है तो आप यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। चलो सेकेंड, मेंबरशिप टू द यूएन इज ओपन टू ऑल डैश स्टेट्स। कौन सी कंट्रीज के लिए मेंबरशिप ओपन है ना, यूनाइटेड नेशन में मेंबरशिप ओपन है? वेल्दी, पुअर या फिर पीस लविंग? आंसर है पीस लविंग, मतलब जो चाहती है कि अपनी कंट्री में शांति बनी रहे, उन उन कंट्रीज के लिए यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप ओपन है। थर्ड, द डैश मेंटेन्स ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी और ग्लोबल पीस कौन प्रोवाइड करता है, ये हमने पढ़ा था ना, सिक्योरिटी जब भी आए तो सिक्योरिटी कौन सी है? फोर्थ, द यूनाइटेड नेशन चार्टर वो साइन इन सैन फ्रांसिस डैश। जो यूनाइटेड नेशन चार्टर था वो सबसे पहले फर्स्ट फर्स्ट कहाँ पर साइन हुआ था? सैन फ्रांसिस्को। कंप्लीट नाउ नेम द फॉलोइंग, द एजेंसी दैट मैनेजेस हेल्थ वर्क इंटरनेशनल। जो हेल्थ रिलेटेड वर्क करते हैं वो कौन सी एजेंसी है? WHO। कंप्लीट, दिस इज द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की पार्लियामेंट कौन सी है? जनरल असेंबली। थर्ड, द मोस्ट पावरफुल ऑफिशियल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। मोस्ट पावरफुल ऑफिशियल कौन सा है? सेक्रेटरी जनरल। कंप्लीट दिस फास्ट।
नेक्स्ट टू फॉल्स. द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स ILO. ये किस क्या चीज क्या देखता है वर्कर्स के वेलफेयर. आंसर है ट्रू. सेकेंड, द WHO लुक्स इनटू द एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन. WHO चिल्ड्रन के एजुकेशन और वेलफेयर को देखता है. आंसर है फॉल्स. WHO का वर्क क्या है कि हेल्थ हेल्थ प्रॉब्लम हेल्थ इश्यूज जहां पर भी होंगे वो देखें. आंसर है फॉल्स. ओके थर्ड, द यूनाइटेड नेशन मेन एम इज टू एंश्योर वर्ल्ड पीस. मेन एम क्या है यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड पीस मेंटेन करना. आंसर है ट्रू. फोर्थ, इंडिया हैज बीन अ मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल 8 times. इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर 8 times बनी है. आंसर है ट्रू. फॉल्स, 8 times 1 time ही बनी है अभी तो. बस होने वाली एक मिनट. फॉल्स है ना कंप्लीट. ओके वी आर एंडिंग द क्लास. टाइम इज ऑलरेडी ओवर. आपका होमवर्क है इस बुक एक्टिविटी को 1 time लर्न और राइट करो. ओके.